हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस हिंदी न्यूज। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के मैं आया हूं। बड़ी खुशखबरी यह है कि PACL में जमा निवेशकों का पैसा सेबी ने लौटाना शुरू कर दिया है और उसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, दावे के आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिसका जितना पैसा है उतना पैसा वापस नहीं मिल रहा है, उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनके मात्र 2500 रुपये तक जमा है। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने मात्र 2500 रुपये तक ही जमा किए थे, उन्हीं को पैसे रिटर्न दिया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है। मगर चलो, शुरुआत तो हुई। जब 2500 रुपये मिल रहा है तो आगे चल के 25000 वालों का भी मिलेगा, 25 लाख वालों का भी मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग स्टेज पर देखा जाए तो ये खुशखबरी है कि सेबी ने कम से कम लौटाना तो शुरू किया पैसा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैसा आपको किस तरह मिलेगा। सेबी आपसे आवेदन मांग रहा है, जो आपका PACL सर्टिफिकेट है उसमें 2500 रुपये तक जमा है, जो यानी कि जो पॉलिसी आपने कराई थी उस पॉलिसी में 2500 रुपये तक जमा है या 2500 रुपये है। 2500 रुपये से ज़्यादा यदि है तो आपको आवेदन नहीं भेजना है। 2500 से कम या 2500 तक वाले ही आवेदन भेजे, उन्हीं के ही स्वीकार किए जाएंगे। क्योंकि अभी सेबी की जो लोढ़ा कमेटी है उस कमेटी के पास इतना ही पैसा है कि 2500 रुपये तक के जो PACL के निवेशकों का पैसा है उनको ही रिफंड किया जा सकता है। ये बड़ी खुशखबरी है कि पैसा मिलना शुरू हो चुका है। आपको ये आवेदन करना कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कीजिए, नोट कीजिए www.sebi.gov.in पर जाइए। और जैसे ही ये ओपन होगी उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे, PACL रिफंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक फॉर्म ओपन होगा, फिर उस पर एक वेबसाइट दिखाई देगी www.sebicommittee.pacl.refund.com के नाम से, उस पर क्लिक कीजिए। और कर्म के अनुसार जिस तरह से भी उसमें ऑप्शन आते हैं, आपका नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और कितना अमाउंट आपका जमा था, वो सब कुछ आपको उस फॉर्म में भरना है। और आपके आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो उसकी स्कैन कॉपी, और साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें करंट के 3 दिन की स्टेटमेंट होनी चाहिए उसकी फोटोकॉपी कराइए। और बैंक स्टेटमेंट की सारी डिटेल जिस पर आपका IFSC कोड होता है जिस पेज पर, उसकी फोटोकॉपी कराइए और स्टेटमेंट की फोटोकॉपी कराकर स्कैन कराइए। स्कैन कराने के बाद उसे अपलोड कर दीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की फोटोकॉपी, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो सब स्कैन करके अपलोड करने हैं आपको। फिर सेबी की तरफ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट्स लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करके अपना बैंक डिटेल वगैरह जो है सब कुछ भरनी है। उसके बाद फिर सेबी आपको एक मैसेज भेजेगा जिस पर आपका सफलतापूर्वक, मतलब कि सफलतापूर्वक पूरा फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी कि आपने का ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो आप जाकर फॉर्म पे इस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कम से कम 2500 रुपये वालों के ही सही कि सेबी ने कम से कम देना तो शुरू किया है। ये बड़ी खुशखबरी है PACL निवेशकों के लिए, और आने वाले समय में और खुशखबरी मिलेगी। आपके बैंक अकाउंट में सेबी की तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हो कि आवेदन के कितने दिन बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी। 28 फरवरी तक आप ये आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।